गाइस वेलकम टू टेली सो। बालिका वधु में आनंदी और दादी साहब पहुंची है एक साथ स्कूल। लेकिन भैया आज ऐसा क्या हो गया कि दोनों क्लास में जा जाकर बच्चों की राय ले रही हैं? तो हम डायरेक्टली आनंदी से ही पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। मैं और दादी साहब आए हैं सबसे पूछने कि किसी को कोई परेशानी है, कोई किसी का कोई सुझाव है कि हम एक स्कूल को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो हम क्लासरूम्स में जा रहे हैं और सब बच्चों से बात कर रहे हैं। एक बच्ची की बहुत बड़ी समस्या थी जो उसे लग रहा दादी सा जो दाल में झोंक लगाती हैं तो वो जब तक उनकी बारी आती है दाल ठंडी हो जाती है, तो उन्हें वो दादी सा की बनाई हुई दाल गरम गरम दाल का मज़ा लेना है। तो वो समस्या बहुत बड़ी थी उनके लिए और उसी का समाधान दादी साहब करेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबकी समस्या सुन रही हैं और इसका समाधान करने की सोच रही हैं। वेल ये तो बात हुई आनंदी की। अब बात करते हैं तोरल के बचपन के बारे में, तो आइए इनसे सुनते हैं कि इनका बचपन कैसा गया। हाँ मतलब मुझे लगता है कि वो बेस्ट डेज होते हैं सबकी जिंदगी में, कि फ्रीडम भी होता है आपके पास और कहीं ना कहीं अनुशासन जिसे कहते हैं वो भी आपको निभाना पड़ता है। और आई रियली मिस माई स्कूल डेज। कभी डांट नहीं पड़ी स्कूल में मुझे, तो वैसे कोई वाक्या नहीं है या मैं शरारती कभी थी नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया हो, और तो एज सच ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी डेज होते हैं, जो भी फ्रेंड्स के साथ जो दिन बिताए हुए हैं, वो सब मुझे आज भी याद आते हैं। टू नो मोर हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो।